अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको इकोनॉमिक्स का टेस्ट देने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की क्लास के लिए। वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा ताकि आपका कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो और आपका पेपर बहुत अच्छा हो सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, डिफरेंस बिटवीन रॉबिन्स एंड मार्शल डेफिनेशन, यानी रॉबिन्स और मार्शल की तारीफ के फर्क को वाजिया करें, यानी क्या डिफरेंस था दोनों में, ये आपने बताना है। नंबर टू, डिस्क्राइब विद डिटेल्स ऑफ द इकोनॉमिक्स लॉज, इकोनॉमिक्स के जितने भी लॉज हैं माशी कवानीन उनकी तारीफ करें और माशी कवानीन पर नोट लिखें, राइट। उसके बाद है जी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद टेबल एंड डायग्राम, कानून तकलील हासिल को टेबल और गोशवारे की मदद से बयान करें, यानी कानून तकलील हासिल को टेबल और गोशवारे की मदद से बयान करें। एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी विद टेबल एंड डायग्राम, कानून मुसावी हासिल को टेबल और गोशवारे की मदद से बयान करें। नेक्स्ट, डिफाइन लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन विद द टेबल एंड डायग्राम एंड राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द डिमांड, यानी कानून तलब से क्या मुराद है, तलब के गिरने और बढ़ने को तफसील से बयान करें। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स बायरमेंट, यानी तलब की लचक से क्या मुराद है, इसकी पैमाइश के तरीके बयान करें। डिफाइन लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्लेन विद डिटेल, कानून रस्त को टेबल और गोशवारे की मदद से बयान करें। उसके बाद है जी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड इट्स मेजरमेंट एंड एक्सप्लेन द मेन पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ डिमांड, के रसद की लचक से क्या मुराद है, नीज इसकी पैमाइश और इसकी अहमियत बयान करें। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन कैपिटल, व्हिच आर द डिफरेंट काइंड्स एंड एफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल, सरमाया से क्या मुराद है, सरमाया की इस्तेदाद कार को अवामिर और इसकी इकसाम बयान करें। डिफाइन लेबर, व्हिच आर द डिफरेंट काइंड्स एंड आल्सो एक्सप्लेन कैपिटल फॉर्मेशन इन पाकिस्तान, मेहनत से क्या मुराद है, मेहनत की इकसाम और तश्कील सरमाया पर मुफसिल नोट लिखे और राइट अ नोट अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान के, पाकिस्तान के नजरिए से बेरोजगारी पर नोट लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट आर द डिफरेंट कॉज एंड हाउ कैन इन्फ्लेशन टू ओवरकम, अफराते जर से क्या मुराद है और अफराते जर किस वजह से होती है, उसको कम कैसे किया जा सकता है। एक्सप्लेन द लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन विद डिटेल, तवील और कलील अरसे की पैदावार पर नोट लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिटर्न्स, आल्सो एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल कॉस्ट विद टेबल एंड डायग्राम, के कानून हासिल से क्या मुराद है, कानून मुसारिफ को टेबल और गोशवारे से बयान करें और नजरिया मेहनत पैदावारी को टेबल और गोशवारे से बयान करें। कि एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ रिकार्डो ऑफ फ्रेंच, के रिकार्डो की लगान की थ्योरी पर वाजिया नोट लिखें। उसके बाद है जी, डिफाइन मोनोपोली प्राइस डिटरमिनेशन इन शॉर्ट रन, कलील अरसे में जारादारी को बयान करें। और उसके बाद है जी, डिफाइन परफेक्ट कंपटीशन एक्सप्लेन इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, के मुकम्मल मुकाबले के तहत कलील अरसे और तवील अरसे को बयान करें। तो बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, रिमेम्बर मी इन योर प्रेयर्स, और पेपर के बाद बताइएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आए। इंशाल्लाह ताला मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन के आपके क्वेश्चन पेपर के आएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक कल।